वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ सेदला GTCH पटना। ये सेदला डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो BMS थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने नमक के तुरब बनाने का एक प्रोसेस किया प्रैक्टिकली। ये सेदला जो है ये फार्मेसी यूनानी का बहुत अच्छा और आला डिपार्टमेंट माना जाता है, क्योंकि जितनी तालीम हम हासिल करते हैं उसका मकसद क्या होता है, दवाओं का हुसूल और दवाओं की तरकीब और दवाओं के बारे में हमें इल्म हो कि हम कौन सी दवा किस तरह से फार्मेसी में तैयार कर सकते हैं। तो ये बच्चों को जो प्रैक्टिकल कराया गया है, कम से कम एक हफ्ते से ये प्रैक्टिकल चल रहा है, और इसके अंदर बच्चों ने कोशिश की है कि जो यूनानी का एक प्रोसेस है, एक तरीका है कि नमक को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं नबातियात से। तो अतिबा ने इस असलाह को अमले इकला के नाम से पेश किया है, जिसका मतलब है नमक हासिल करना, किसी चीज़ का खार हासिल करना, इसको अमले इकला कहते हैं। और नमक दुनिया में चूंकि कई टाइप्स के नमक पाए जाते हैं, समंदर से नमक मिलता है, पहाड़ों से नमक मिलता है, जिसको लाहौर में पहाड़ है, लाहौरी नमक से मंसूब किया जाता है, सेंधा नमक भी होता है, लेकिन ये चीज़ जो ये नमक हमने हासिल किया है, ये हमने मूली से हासिल किया, जिसको अमले यानी मूली, जिसको तुरब कहते हैं, नमक है तुरब, जिसको मूली से हमने हासिल किया। सबसे पहले इसका तरीका ये होता है कि इसमें मूली जो हम बाज़ार से ले आए थे, तकरीबन इसका वेट रहा होगा 3 किलो, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके बारीक बारीक स्लाइस में काट दिया गया। काटने के बाद में इसको स्लाइस को धूप में रख के अच्छी तरह से सुखा लिया गया। जब ये इस प्रोसेस को सुखाने के प्रोसेस को 3 से 4 दिन का टाइम लगा, जबकि गर्मी का मौसम है, क्योंकि मूली में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए इसको सुखाने में ज़्यादा टाइम लगा, और मौसम ने साथ दिया, बारिश नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये कि जब मूली के स्लाइस को हमने सुखा लिया, सुखाने के बाद में दूसरा स्टेप ये होता है कि उसको जला दिया जाए, यहाँ तक कि जलाए कि उसको मूली को राख बना दिया जाए, यानी कि इतना जलाना है कि वो कोयला ना बने, कोयले से जल के राख बन जाए। फिर उस राख को हमको पानी में घोलना है। पानी में घोलने के बाद उस राख को हमने अमले जरलकी के ज़रिए उस पानी को साफ़ किया, जिसको आप अच्छी तरह से वीडियो में भी देख सकते हैं कि दोनों मग में या प्याले में एक कॉटन की बत्ती बना के हमने उसको पानी को फिल्टर किया, यानी कि जितना जो इम्प्योरिटीज़ थी पानी राख की, वो सब बर्तन में ही रह गई और पानी हमें शफाफ मिल गया, ट्रांसपेरेंट वाटर मिल गया। फिर इस पानी को आग पे रख के उबाला गया। आप जल्दी हो जाएगा, पानी को भाप बना के उड़ा दिया गया, और उसके बाद में जो बर्तन में बचा कुचा जो रहा वो नमक हासिल हुआ। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं किला,
इकलामिस नमक हासिल करना, तो मोस्टली हमारे यूनानी में और भी दवाओं से नमक हासिल किया जाता है, जैसे जौखार का एक नमक जो बाजार में मिलता है, और दूसरा है चिरचिटे का नमक। तो इस तरह से हम दो तीन दवाओं का जो हमारे किताबों में या सिलेबस में जिक्र है, हम कहीं दवा से नमक भी हासिल कर सकते हैं। तो नमक जो है प्लांट का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने जो जला दिया आग में, जो बच्चा कुचा था, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो नमक के जो तुरब है या मूली का नमक है, हम इसको मुख्तलिफ अमराज में, मोस्टली या रीनल स्टोन में या ब्लैडर स्टोन में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर यूटीआई में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो हम इसका नमक को दूसरे मरकब के साथ में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। इस तरह से अतिब्बा ने बहुत सारे नमक निकालने के नबातियात से प्रोसेस और तरीके और मैकेनिज्म बयान किए हैं, जिनका हमारे बच्चों ने प्रोफेसर आपका यूसुफ अंसारी के सरपरस्ती में, तो ये इसमें हम भी शामिल थे, हमें बड़ी खुशी हुई, और हमारी दरख्वास्त है यहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी कि वो बच्चों को कोऑपरेट करें और तरह तरह की उनको फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं, ताकि बच्चों का शौक़ और दुबाला हो, आगे बढ़ें, तरक्की करें, और वो उनका कॉन्फिडेंस इसके अंदर डेवलप हो, यूनानी से उनका रब पैदा हो, ताल्लुक़ पैदा हो, और उनके अंदर एक शौक का जज्बा पैदा हो। तो हमारी सारी टीम, हम लोग जितने हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे बच्चों को कोऑपरेट करें, उनकी मुआवनत करें, उनकी मदद करें, ताकि बच्चों का जज्बा और दुबाला हो और इस मैदान में वो आगे बढ़ें।